हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। सी दोस्तों, हमने दो टेक्निक्स तो देख ली भाई। किसकी दो टेक्निक देखी? ब्लॉक साइफर मोड ऑफ ऑपरेशंस की दो टेक्निक तो देख ली। अभी तीसरी टेक्निक जो है थोड़ी सी अटपटी है, थोड़ी समझने में मुश्किल है, लेकिन उसको आसान करके बताने का काम भाई मेरा है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। तो उस टेक्निक का नाम है साइफर फीडबैक मोड, CFB, साइफर फीडबैक मोड आप उसे कह सकते हो। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन भाई कैसे होता है, डिक्रिप्शन कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है, यूज क्या किया है, क्यों यही यूज किया है, क्यों कुछ और यूज नहीं किया, इन आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फीडबैक है, मतलब फीडबैक का कुछ तो मतलब होगा यहाँ पे, तो वो क्या है यहाँ से ढूंढ के निकालते हैं। ठीक है, तो इनिशियल स्टेप्स में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जरूरत क्या है। एक रजिस्टर की जरूरत है, बराबर। तो अभी वो इस प्रोसीजर में सबसे टॉप पे है, इसलिए इसको टॉप रजिस्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक रजिस्टर की जरूरत है। अब इस रजिस्टर की साइज कितनी है, एन बिट्स। रिमेंबर, अभी एन बिट्स आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स द जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर मोड दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर, बराबर। तो ये एन बिट्स आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एन बिट का टॉप रजिस्टर है, बराबर। तो यहां तक फंडा समझ में आया कि ये एन बिट का टॉप रजिस्टर है। ये आप की यूज करने वाले हो, सेम की यूज करने वाले हो। ठीक है, ये आपका इनक्रिप्ट प्रोसीजर है। यहां पे अभी ये जो पूरा जो चल रहा है ये क्या है, मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, आपका प्लेन टेक्स्ट है, बराबर। उस प्लेन टेक्स्ट को आपको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो वो जो प्लेन टेक्स्ट है उसको आपने क्या किया, ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। और हर एक ब्लॉक की साइज कितनी ले ली, एस बिट्स। कितनी, एस बिट्स। ये जनरलाइज्ड वर्जन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जनरलाइजेशन है जिससे कि आप कुछ भी डाल सकते हो नंबर, लेकिन अंडर सम कंस्ट्रेंट्स। और एस का कंस्ट्रेंट क्या है, वो ये है कि अगर आपने जो आपका टॉप रजिस्टर है अगर उसकी साइज एन बिट्स की है, तो जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट की जो साइज होने वाली है, प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक की जो साइज होने वाली है, जो कि एस है, एस शुड बी इन बिटवीन 1 एंड n, 1 और n, मतलब 1 से तो बड़ा होना ही चाहिए और n से तो छोटा होना ही चाहिए, ऐसा आपको आपके प्लेन टेक्स्ट का साइज लेना है। उसी तरीके से आपका जो साइफर टेक्स्ट ब्लॉक का साइज है वो भी आपका एस बिट्स का ही होगा। ठीक है, इतना मामला समझ में आ गया। तो टॉप रजिस्टर एन बिट्स का है। तो मैंने क्या किया, एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर, आपने पिछले केस में भी देखा था, तो वो एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो रैंडमली जनरेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है, उसे मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया। तो वो कितने बिट्स का होना चाहिए, आईबी इनिशियलाइजेशन वेक्टर कितने हैं, n बिट्स का होना चाहिए, करेक्ट। तो मैंने उस पूरे इनिशियलाइजेशन का जो डेटा है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर का जो डेटा है, वो इस पूरे टॉप रजिस्टर के अंदर डाल दिया जो कि n बिट्स का है। तो उसके बाद क्या किया प्रोसीजर मैंने इंक्रिप्शन में, तो पहले इंक्रिप्शन डिस्कस करते हैं और फिर डिक्रिप्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लोड किया भाई मैंने। अब लोड करने के बाद क्या, तो उसके जो n बिट्स है, उन n बिट्स को या फिर उस पूरे के पूरे डेटा को जो n बिट्स का है, उसको मैं इनक्रिप्ट प्रोसीजर के लिए देता हूं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट प्रोसीजर के लिए देते हैं, लेकिन यहां पे हमने क्या किया, ये जो टॉप रजिस्टर का जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर वाला जो कंटेंट था, इनिशियलाइजेशन वेक्टर वाला जो कंटेंट था, जो डेटा था, उसके n बिट्स को मैं इनक्रिप्शन के लिए दे रहा हूं, प्रोसीजर इनक्रिप्ट करने के लिए दे रहा हूं यूजिंग दिस की, बराबर। तो की और ये जो टॉप रजिस्टर का इनिशियलाइजेशन वेक्टर का जो डेटा है n बिट्स का, वो मैं इंक्रिप्ट के लिए देता हूं। एंड ऑब्वियसली इंक्रिप्ट होने के बाद, अगर मैंने इंक्रिप्ट के लिए n बिट्स दिए, तो इंक्रिप्ट होने के बाद जो आएगा वो भी n बिट्स होगा, बराबर, वो भी n बिट्स होगा। अब करना क्या है, अभी ये है s बिट्स, ये है n बिट्स, अभी s और n बिट्स में हम लोग कैसे XOR करें, बिकॉज फाइनली हमें XOR करना है, बराबर। तो s बिट्स और n बिट्स उनका रिलेशन हमें पता है, s इज लेस देन n, तो इसमें कैसे XOR किया जाए, तो एक काम करते हैं, इन n बिट्स में से s बिट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इन n बिट्स में से s बिट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट MSB s बिट्स, MSB मतलब लेफ्ट साइड, मतलब ये जो आपको रजिस्टर दिख रहा है इसका लेफ्ट साइड से हम लोग क्या करेंगे, s बिट्स, जितना आपकी इसकी बिट्स होंगी उतने बिट्स हम लोग लेफ्ट साइड से, MSB साइड से हम लोग निकाल लेंगे, बराबर। तो इसका आउटपुट क्या होगा, n बिट्स से आपने s बिट्स निकाले, ये इसका मतलब है, सिलेक्ट द MSB s बिट्स, बराबर। यानी कि n बिट्स से आपने क्या किया, s बिट निकाले, और वो भी किससे निकाले, एनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ दिस डेटा, एनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ दिस डेटा, उसके MSB से s बिट्स को आपने एक्सट्रैक्ट किया, ये वो s बिट्स है। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर हो गया। अब ये s बिट्स आ गए, ये प्लेन टेक्स्ट s बिट्स का आ गया, तो s बिट्स सिंपल है, सिमिलर है, तो करना क्या है, उसके ऊपर XOR लगा देना है, और XOR लगाने के बाद भी आपके S बिट्स ही आएंगे, बराबर। 7-8 तो नहीं हो जाएंगे, 9 तो नहीं हो जाएंगे, तो वो ऐसे ही रहेंगे। तो उसके बाद S बिट्स आ गया, बराबर, S का S तो रह गई, तो आपका फाइनली S बिट्स आ गया। तो ये क्या है भैया, ये आपका साइफर टेक्स्ट ब्लॉक है ऑफ साइज S बिट्स।
ठीक है, तो ये आपका साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जनरेट हुआ। अब आगे क्या करना है भाई, अब आगे क्या करना है, तो ये साइफर टेक्स्ट ब्लॉक का एरो यहाँ पे जा रहा है। मतलब क्या, आपने क्या किया, इस साइफर टेक्स्ट ब्लॉक को इसके अंदर लोड करना है। मतलब क्या होगा कि इनिशियली इसके अंदर n बिट्स लोडेड है। किसके n बिट्स, इनिशियलाइजेशन वेक्टर के n बिट्स लोडेड है। अभी आपको करना क्या, सिंपली ये जो डेटा उसमें जाएगा, ये जो लोड होगा, यहाँ पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा टू द लेफ्ट बाय s बिट्स। क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा टू लेफ्ट। इसका जो इनिशियल ओरिजिनल कंटेंट था आईवी का, वो आपका लेफ्ट साइड को क्या होगा, मूव होगा। लेफ्ट साइड को क्या होगा, वो इट विल बी यू नो प्लेस्ड अप और शिफ्टेड अप। हाँ, ये शिफ्टेड सही वर्ड है कि इट इज गोइंग टू बी दैट कंटेंट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड लेफ्ट बाय द एस बिट्स, बाय एस बिट्स। और फिर ये जो एस बिट्स आपके साइफर टेक्स्ट जनरेट हुई है वो उधर जाके बैठ जाएंगी। अभी उसके बाद यही सेम प्रोसीजर होगा कि अभी आपका डेटा आ गया एन बिट का, ओके, तो इसमें से जो एस बिट्स है वो आपके साइफर बिट्स हैं या फिर साइफर टेक्स्ट की बिट्स हैं, तो फिर वो वापस से यहाँ पे एन बिट्स आएंगे, बराबर। एन बिट्स का फिर वापस इनक्रिप्ट होगा, फिर की यूज होगी, वापस से एन बिट जनरेट होगी, लेकिन हमें एन बिट चाहिए नहीं एक्सोर करने के लिए, बिकॉज एस बिट्स है, तो उसमें से मैं एमएसबी की एस बिट्स निकालूंगा, एस बिट्स निकालने के बाद उसको एक्सोर करूंगा नेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक के साथ, नेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक के साथ, और फिर मेरा एक और साइफर टेक्स्ट निकलेगा। वापस से मैं क्या करूंगा, इस साइफर टेक्स्ट को ऊपर डालूंगा, लोड करूंगा। कैसे करूंगा, पहली बात तो जो उसका प्रीवियस कंटेंट होगा उसको मैं एस ब्लॉक से शिफ्ट करूंगा, मतलब एस बिट्स से, नॉट ब्लॉक, एस बिट्स से मैं शिफ्ट करूंगा टू द लेफ्ट, और फिर जो जगह बन जाएगी उसमें ये एस बिट्स ऑफ साइफर टेक्स्ट मैं लोड कर दूंगा। एंड वंस आई हैव लोडेड इट, तो ये प्रोसीजर तब तक चलती रहेगी इंक्रिप्शन की, तब तक चलती रहेगी जब तक आपके सारे प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक खत्म नहीं हो जाते, बराबर, टिल द लास्ट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक ये प्रोसीजर चलती रहेगी। तो ये तो हो गया भैया इंक्रिप्शन प्रोसीजर, लेकिन भाई डिक्रिप्शन में क्या करना है, तो डिक्रिप्शन में भी सेम स्ट्रक्चर यूज किया गया, सेम टॉप रजिस्टर वही है इनक्रिप्ट। हाँ, अभी ये थोड़ा सा मामला जानने वाला है कि भैया यहाँ पे क्या किया है और यहाँ पे जो किया है वो क्यों किया है, बराबर, बिकॉज आप कह रहे हो कि ये जो पूरा फंडा ये डिक्रिप्शन है तो यहाँ पे इनक्रिप्ट क्यों यूज किया है, तो यही एक खासियत है, ये बड़ा एक स्ट्रेंज फीचर है, बड़ा ही मतलब यू नो यकीन नहीं करने वाला फीचर है कि भाई आप डिक्रिप्शन में इनक्रिप्शन का फंडा लगा रहे हो, बराबर, मतलब आपने डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम का यूज ही नहीं किया है। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ साइफर फीडबैक मोड, बराबर। आप नॉर्मली डिक्रिप्शन करने के लिए भी इंक्रिप्ट ही करते हो अपने डेटा को, तो होता क्या है यहाँ पे डिक्रिप्शन में कि जो आपने साइफर टेक्स्ट जनरेट किया, मान लो आपने साइफर टेक्स्ट ब्लॉक 1 C1 जनरेट किया, तो वो C1 क्या होता है, यहाँ पे जाके बैठ जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे, कैसे बैठेगा, कैसे बैठेगा, यहाँ पे भी शिफ्टिंग होगी, लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं, इंक्रिप्शन हो गया, बराबर, इंक्रिप्शन सारे के सारे ब्लॉक्स का हो गया, सारे साइफर टेक्स्ट आपके जनरेट हो गए, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जनरेट करना है अपना पहला प्लेन टेक्स्ट, पहला प्लेन टेक्स्ट आपको जनरेट करना है। तो आप क्या करोगे, जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर मैंने इनिशियल इसमें लोड किया था टॉप रजिस्टर में, वही फॉर द इनिशियल टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम आप इसमें भी लोड करोगे, बराबर। मतलब अभी मैं जस्ट डिक्रिप्शन शुरू करने जा रहा हूं, मैंने शुरू नहीं किया, मैं जा रहा हूं, शुरू करने जा रहा हूं, मैंने अभी तक एक भी साइफर टेक्स्ट एस बिट को हाथ नहीं लगाया। मैंने इनिशियली क्या किया डिक्रिप्शन में, कि इस टॉप रजिस्टर में क्या किया, सिंपली लोड कर दिया, क्या लोड किया, आपका इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो एन बिट का है, तो ये भी एन बिट का है, उसमें लोड कर दिया, ठीक है। तो वही प्रोसीजर यूज किया, उसके एन बिट्स को मैंने इनक्रिप्ट किया विद द की, और इनक्रिप्ट करने के बाद वो मेरा जो आउटपुट आएगा इनक्रिप्टेड आउटपुट, वो भी एन बिट का होगा, उसमें से मुझे सिर्फ सिलेक्ट करने एमएसबी के एस बिट्स, और वो एस बिट सिलेक्ट करने के बाद मुझे उसको एक्सॉर करना है विद द साइफर टेक्स्ट 1 C1, जिसे हम कहते हैं C1, बराबर। तो जो साइफर टेक्स्ट C1 होगा, बिकॉज मैं इनिशियल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, इसीलिए पहला ही साइफर टेक्स्ट ब्लॉक होगा C1, तो C1 के साथ जो कि एस ब्लॉक का है और ये जो आउटपुट है वो एस ब्लॉक का है, उन दोनों का एक्सॉर करूंगा, और जो जनरेट होगा वो भी एस बिट्स का होगा, वो भी एस बिट्स का होगा, और जनरेट होगा मेरा प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज पहला प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक मेरा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे भैया, अब आगे क्या करना है, आगे वही होगा जैसे यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही थी लेफ्ट में, यहाँ पे भी होगी। तो जो ये मेरा ब्लॉक होगा, द नेक्स्ट ब्लॉक जो साइफर टेक्स्ट ब्लॉक होगा, वो क्या होगा, यहां से जाएगा, कितने बिट्स का है, एस बिट्स का, ये याद रखना एस बिट्स का है, वो यहां से जाएगा एंड इस रजिस्टर के अंदर थ्रू दिस एंड इट विल एंटर। तो होगा क्या, जो आपका ओरिजिनल कंटेंट, इनिशियल कंटेंट जो डिक्रिप्शन के पहले स्टेप में आपने आईवी डाला था, इनिशियलाइजेशन वेक्टर ऑफ एन बिट डाला था, उसको आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, कितने बिट से शिफ्ट करोगे, एस बिट से शिफ्ट करोगे। एस बिट से शिफ्ट करने के बाद एस बिट्स की जगह बन जाएगी, एस बिट्स में क्या डालोगे, जो आपका नेक्स्ट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक है वो डाल दोगे, तो एस बिट्स में आपका वो नेक्स्ट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक बैठ जाएगा। एक बार वो उसमें बैठ गया तो आप क्या करोगे, वही एन बिट्स को वापस से इनक्रिप्ट करने के लिए लोगे, की के साथ वापस से इनक्रिप्ट जो डेटा
क्या होगा वो एन बिट का होगा, उसमें से आप एस बिट्स एमएसबी के लेफ्ट साइड से निकालोगे, उसके बाद आप उस साइफर टेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट साइफर टेक्स्ट होगा उसके एस बिट्स के साथ उसको एक्सॉर करोगे एंड प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक जनरेट करोगे। बस इतना सा प्रोसीजर है और ये तब तक आप करते जाओगे, ये प्रोसीजर तब तक आप करते जाओगे तब तक जब तक आपका लास्ट प्लेन टेक्स्ट जो ब्लॉक है वो रिसीवर तक पहुंच नहीं जाता, वो रिसीवर तक समझ नहीं जाता, अंडरस्टैंड नहीं हो जाता, तब तक ये पूरा प्रोसीजर चलता रहेगा। मतलब ये प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक पूरे के पूरे प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक आपके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट ना हो गए, और ये पूरा प्रोसीजर तब तक चलता है जब तक आपका पूरे के पूरे साइफर टेक्स्ट ब्लॉक प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक में कन्वर्ट ना हो गए हो, तब तक ये पूरा प्रोसीजर चलता रहता है। ये जो शिफ्टिंग है, ये जो आपके टॉप रजिस्टर की शिफ्टिंग है, ये तब तक चलती रहती है। शिफ्टिंग के बाद का पूरा प्रोसीजर तो आपको पता ही है, यहाँ पे भी सेम थिंग होती है, यहाँ पे भी शिफ्टिंग चलती रहती है, शिफ्टिंग चलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार पहली बार शिफ्टिंग हुई, ऐसा नहीं है, ये शिफ्टिंग चलती रहती है, इट कीप्स ऑन गोइंग। कब तक? जब तक सारे के सारे प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक आपके साइफर टेक्स्ट ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो ये था पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन रिलेटेड विद साइफर फीडबैक मोड। आई होप दोस्तों मैंने जितना मेरे से हो सकता था, एक्चुअल में मैं मानता हूं कि भाई ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन जितना हो सकता था उतना आसान करके मैंने आप तक पहुंचाया अपनी भाषा में जो आप समझ सकते हो। और दोस्तों अगर ये आपको ऑब्वियसली पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा समझ में आया होगा, एग्जाम में मेरी तरफ से आपकी थोड़ी सी मदद हो गई होगी, तो दोस्तों बिल्कुल भूले ना इस वीडियो को लाइक करना, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, मेरी मदद उन तक पहुंचाइए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।